ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी वेंकैया नायडू, सी भैरव सिंह शेखावत या डी मोहम्मद हामिद अंसारी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। राम नाम के नारों से गूंज उठा नवगछिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन करने के बाद पूरा नवगछिया राम नाम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर कई मंदिरों में पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई। देर शाम अधिकांश लोगों ने अपने घरों पर दिए जलाए। हर एक मोहल्ले में 5 से 10 जगहों पर युवकों द्वारा आतिशबाजी भी की जा रही थी। भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इसका साक्षी हूं। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सह खरीक दक्षिण की जिला पार्षद कुमकुम देवी ने भी अपने घर पर दिए जलाए और भगवान राम की पूजा अर्चना की। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य गगन चौधरी भी मौजूद थे। वहीं नवगछिया ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार, नवगछिया नगर भाजपा के महामंत्री प्रवेश कुमार यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनुचौरसिया खगड़ा में पंडित अश्विनी कुमार, नवगछिया में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण भगत ने भी अपने आवास पर भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया। हनुमान मंदिर में जले 1100 दिए। रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के श्री हनुमान मंदिर एवं काली मंदिर में 1100 मिट्टी के बने दीप प्रज्वलित कर श्री राम जन्मभूमि पूजन का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मौके पर मंदिर के व्यवस्थापक प्रशांत कुमार उर्फ पिंटू यादव, हरिकिशोर झा सिया, राम दरबार के प्रशांत झा, उमाकांत झा, कैलाश पोद्दार सहित कई अन्य उपस्थित थे। आप दिए जला रहे हैं मंदिर में? आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में हमारे भवानीपुर ग्राम वासियों ने मिलकर आज महाकाली प्रांगण में 2100 दिए का जलाकर उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में इसके सहयोग में हमारे यहाँ के अध्यक्ष समिति के प्रशांत कुमार और पिंटू यादव ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने पूरे जोर से हम लोग को सहयोग कर हम लोग ने 2100 दिए को यहाँ जलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार, मैं बाजुमो जिला मंत्री नवगछिया। खुशी में दिए जला रहे हैं आप लोग? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, उसी खुशी में हम लोग यहाँ 101 दिया जला रहे हैं। नवगछिया के रुंगटा सत्संग भवन रोड में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर नवगछिया के रुंगटा सत्संग भवन रोड स्थित मां काली मंदिर के समीप भव्य आयोजन किया गया व दीपोत्सव मनाया गया। मौके पर मोहल्ले के कई युवा व बच्चों की मौजूदगी देखी गई। रक्षाबंधन पर आयोजित बेस्ट फोटो कंपटीशन का परिणाम हुआ जारी। जीएस न्यूज बिहार सहित आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंटरनेट पोर्टल बन गया है। जीएस न्यूज की ओर से रक्षाबंधन 2020 पर भाई बहन हेतु बेस्ट फोटो सेल्फी कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रक्षाबंधन मनाने के बाद फोटो भेजनी थी और प्रतियोगिता में शामिल होना था। बताते चलें कि प्रतियोगिता में कुल 631 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें कुल 100 प्रतिभागी को फोटो पूर्ण जानकारी के साथ को चयनकर्ताओं द्वारा सूचीबद्ध किया गया। बताते चलें कि टॉप 100 में पहले तीसरे स्थान पर कुमार आर्थव विथ अदिति श्री तुलसीपुर खरीक भागलपुर से, दूसरे स्थान पर प्रज्ञान विथ अक्षित्रा तेतरी नवगछिया भागलपुर से एवं तीसरे स्थान पर दिव्यांश विथ प्रियल नियर ताजमहल आगरा इंडिया से हैं। वहीं चयनकर्ताओं द्वारा कुल 100 प्रतिभागी को सूचीबद्ध किया गया है, जिसे जल्द ही टीम के द्वारा उपहार भेजी जाएगी।
नवगछिया में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार को 102 लोगों का, नवगछिया प्रखंड मुख्यालय में 44 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए लोगों में नगरा के 2, भवानीपुर के 2, तेतरी के 1 एवं नवगछिया शहर के 1 व्यक्ति शामिल है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को कोविड-19 सेंटर लाने की प्रक्रिया की जा रही है। पचगछिया बाजार में 8 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बुधवार को गोपालपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय पचगछिया बाजार में पीएससी गोपालपुर द्वारा शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन किट से 129 लोगों की जांच की गई। 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय, लैब टेक्नीशियन आशीष कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। राममय हुआ गोपालपुर। चिर परीक्षित अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर गोपालपुर प्रखंड के गांव की गलियां राममय हो गई। जगह जगह भजन हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। इस मौके पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। गोपालपुर के गोसाई गांव के युवाओं ने इस अवसर पर केसरिया ध्वज अपने अपने घरों व सड़कों पर लगाया, जमकर पटाखे छोड़े और अपने अपने घरों में घी के दिए जलाए। गंगा नदी की बाढ़ से प्रखंड मुख्यालय इस्माइलपुर का सड़क संपर्क भंग, यातायात हेतु ना ही सहारा। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण इस्माइलपुर प्रखंड मुख्यालय आने वाली सभी सड़कों पर पानी बने के कारण संपर्क भंग हो गया है। हालांकि यातायात बहाल रखने हेतु ईंट का टुकड़ा डाला जा रहा है, परंतु जलस्तर में वृद्धि होने के कारण सड़क पर पानी बहने लगा है। सड़क संपर्क भंग होने से नाव ही एकमात्र इस्माइलपुर प्रखंड वासियों के आवागमन का साधन रह गया है। इस्माइलपुर के जिला परिषद विपिन कुमार मंडल ने तत्काल सूखा राशन व नाव उपलब्ध करवाने की मांग की है। नवगछिया गुटखा लूट कांड में शामिल अपराधी अवैध हथियार के साथ दबोचा गया। नवगछिया थाना क्षेत्र के खरीक टोल प्लाजा मददपुर के पास 22 जुलाई को अपराधियों द्वारा गुटखा व पान मसाला लदे ट्रक के लूट में शामिल अपराधी को नवगछिया पुलिस ने हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 बोरा गुटखा व पान मसाला को भी भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। लूट कांड में गिरफ्तार हुए अपराधी नवगछिया थाना क्षेत्र के मील टोला निवासी मिथुन सिंह उर्फ मृत्युंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 22 जुलाई को महदतपुर टोल प्लाजा के पास अपराधियों ने पान मसाला व गुटखा लदी ट्रक के चालक को हथियार के बल पर बंधक बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए में ले निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228-95-69-05, 8873-97-3680 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। कालाबाजारी के लिए जा रहे 10 बोरा चावल को ग्रामीणों ने पकड़ा। बंगरा प्रखंड के मधुरोनी गांव के ग्रामीणों ने कालाबाजारी को ले जा रहे 10 बोरा करीब 6 कुंटल चावल जुगाड़ गाड़ी के साथ जब्त कर लिया। सबसे पहले ग्रामीणों ने इसकी सूचना पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना को दी। मौके पर पहुंचे मुखिया ने ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली और रंगरा थाना समेत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को जानकारी दी। फिर मौके पर रंगरा थाना के साथ पहुंचे प्रशासनिक पदाधिकारी ने चावल को जब्त कर लिया है। पुलिस पदाधिकारी ने ग्रामीणों को मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही सूरज दास के माध्यम से अनाज की कालाबाजारी करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने बताया कि चावल के साथ वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में भाकपा माले ने मनाया विरोध दिवस। धार्मिक आयोजन व धर्म से राज्य राजनीति व सरकार को अलग रखने एवं संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उल्लंघन नहीं करने आदि के सवाल पर राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत भाकपा माले ने
राम मंदिर के नाम पर प्रधानमंत्री की राजनीति के खिलाफ विरोध दिवस मनाया। नौगछिया रंगराव खरीक प्रखंड के विभिन्न टोले मोहल्ले सहित स्थानीय राघोपुर में पार्टी कार्यकर्ता समर्थक ने झंडे बैनर के साथ नारे लगाए व पोस्टर प्ले कार्ड के जरिए विरोध जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्री मंडल, जिला कमेटी सदस्य संथाल जी व रेणु देवी, खरीक प्रखंड कमेटी सदस्य कांग्रेस यादव, सर्वजीत रॉकी सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया वर्चुअल बैठक का आयोजन। प्रदेश के आह्वान पर जिला राजद इकाई के तत्वाधान में सभी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग का आयोजन बुधवार को किया गया। वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल ने किया। वहीं मौके पर युवा नेता शैलेश यादव, आपदा के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा सहित कई अन्य उपस्थित थे। विशेष समकालीन छापेमारी में 7 अभियुक्त गिरफ्तार, भेजे गए जेल। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर मंगलवार को पुलिस के द्वारा चलाए गए समकालीन छापेमारी अभियान में संगीन मामले में फरार चल रहे कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नौगछिया एसपी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि विशेष समकालीन छापेमारी में झंडापुर ओपी थानाध्यक्ष शिव प्रसाद रमानी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में शराब कारोबारी विपिन कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि भवानीपुर ओपी प्रभारी नीरज कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी में नगर पारा निवासी विडल सिंह उर्फ किशोर कुमार सिंह को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। नवगछिया चेकिंग अभियान में 99 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क और वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 99 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4950 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में एक वाहन से 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। लोकमानपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन ने किया नौका परिचालन। नेपाल द्वारा लगातार वाटर डिस्चार्ज किए जाने से कोसी नदी में बाढ़ की स्थिति प्रलयकारी हो गई है। लोकमानपुर और सिंकुंड टापू में तब्दील हो गया है, चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। लोकमानपुर और सिंकुंड के निचले और ऊपरी इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक तकरीबन 2100 से अधिक परिवार बाढ़ प्रभावित हैं। लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। गांव से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। लोकमानपुर में अब तक 200 बाढ़ पीड़ित परिवार को सूखा राशन मिला है। जिन बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन नहीं मिला है, उन्होंने प्रशासन से अविलंब बाढ़ राहत सामग्री वितरण कराने की मांग की है। नारायणपुर में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। भवानीपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी पूरन शर्मा ने गांव के ही मुकुल शर्मा, गोकुल शर्मा, आजाद शर्मा, दिलखुश शर्मा, गाजू शर्मा, विनोरा देवी पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज की है। दूसरी ओर से कुशवाहा निवासी प्रवीण शर्मा ने गांव के ही धनेश्वर शर्मा, छट्टू शर्मा, जटाधारी शर्मा सहित कई अन्य पर रंगदारी मांगने व मारपीट का आरोप लगाते हुए भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उक्त जानकारी भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीएमएलए निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228-9569-05, 8873-9736 या रजिस्टर करें msbihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88, 9234-62-3333।